नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार को पिछले पायदान पर आने का मूल कारण है राजद के 15 साल के कुशासन को हम पटरी पर लाते लाते अब हम पायदान पर आए। हम विकास के राह पर हैं, बिहार विकास की ओर अग्रसर है, हम सुशासन को बिहार में कायम करने में सक्षम हो रहे हैं। यूं तो आप जानते हैं कि राजनीति की एक ऐसी चीज है जिसमें कोई किसी का नहीं होता है। कभी कोई किसी की तरफ से बोलता है तो कोई कभी किसी पे तंज कसता है। जी हाँ, आप जानते हैं कि शराबबंदी के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार के सपोर्ट में कभी दिखे मांझी तो कभी बीजेपी उनके विरोध में बोल रही थी। जैसे कि हरिभूषण ठाकुर ने उनके विरोध में बोला था कि उन्हें शराबबंदी कानून को वापस ले लेना चाहिए और वह राजद का सपोर्ट करते हुए दिखे थे। वही हम आपको अब बता दें कि अरविंद कुमार जो बीजेपी के नेता हैं, अरविंद कुमार अब वो नीतीश कुमार का सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मुद्दा शराबबंदी नहीं, मुद्दा है नीति आयोग। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि नीति आयोग में जो बिहार राज्य अभी पिछड़ा दिख रहा है वो बस और बस आरजेडी के कारण दिख रहा है। क्या कुछ बोले हैं अरविंद कुमार सिंह, देखिए ये वीडियो। नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार को पिछले पायदान पर आने का मूल कारण है राजद के 15 साल के कुशासन को हम पटरी पर लाते लाते अब हम पायदान पर आए हैं और धीरे धीरे पायदान पर हम सरकते सरकते 1 to 10 में हम आ जाएंगे। हम विकास के राह पर हैं, बिहार विकास की ओर अग्रसर है, हम सुशासन को बिहार में कायम करने में सक्षम हो रहे हैं। हम जो है स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर के, हम रोजगार से लेकर के, बिहार में यातायात व्यवस्था से लेकर के सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में सक्षम हो रहे हैं और बहुत जल्द हम पायदान पर अभी आए हैं। पायदान से हम आगे बढ़ करके 1 to 10 के पायदान में हम पूरे देश में आएंगे। आपने देखा कि अरविंद कुमार सिंह ने सीधा सीधा कहा है कि जो अभी नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार पीछे है उसमें आरजेडी का ही हाथ है कहीं ना कहीं, क्योंकि 15 साल पहले जो रेल की पटरी की गाड़ी जो थी वो कुशासन से भरी हुई थी, कुशासन की गाड़ी अब पटरी पे आ रही है। आपने सीधा सुना है कि अरविंद कुमार ने आरजेडी पे निशाना साधा है। अब बीजेपी में क्या बोलते हैं जो नेता जो आरजेडी का सपोर्ट करते हैं वो अब कहीं बीजेपी की टूट ना हो जाए, अब ये समय ही बताएगा। आगे देखते हैं कि नीति आयोग पर और क्या क्या राजनीतिक बयान आते हैं। बने रहिए भारत लाइव पे, देखते रहिए भारत लाइव। हमारे चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक चैनल को लाइक करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।